चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट, अपर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। बाह कोटा बैराज से हजारों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाली चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने चंबल नदी के तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि बढ़ते जलस्तर के कारण वह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन द्वारा तटवर्ती गाँव में लोगों को मुनादी करा दी गई है कि लोग बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अपनी अपनी घरों से निकलकर छत या ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएं। वह ब्लॉक के गांव रानीपुरा, भटपुरा व गोहरा जैसे गांव में बाढ़ का खतरा अभी से मंडराने लगा है, क्योंकि चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण इन गांवों के संपर्क मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुके हैं और प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट किया जा चुका है। बाढ़ चौकियां निर्धारित कर दी गई है और प्रशासन के द्वारा इन गांवों के लोगों को स्टीमर के माध्यम से राहत सामग्री व आवागमन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इन गांव की आबादी लगभग 1500 लोगों के करीब है। मंगलवार को अपर जिलाधिकारी आगरा ने रानीपुरा, भटपुरा तथा गोहरा गांव में जाकर बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा राजस्व कर्मचारियों को बाढ़ चौकियां गठित करने के निर्देश दिए और ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया, क्योंकि कई निचले गांव में बाढ़ का पानी पहुंच भी चुका है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जलस्तर आधा मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। संपर्क मार्ग टूटने के कारण कुछ छात्रों को परीक्षा देने में दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए अपर जिलाधिकारी आगरा ने बताया कि ऐसे छात्रों को प्रशासन अपनी सुविधानुसार परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएगा तथा उक्त छात्र परीक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर। नीरज धनगर की रिपोर्ट। जो संपर्क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, उनके सर गाँव वालों के लिए स्वास्थ्य और राहत के लिए क्या तैयारियां हैं? यहाँ पर हम लोग अभी स्टीमर की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पे स्टीमर लग जाएगा। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर जो स्वास्थ्य की टीमें हैं वो भी हम गांव में ही भिजवाएंगे और कोई गाँव वासियों की अन्य कोई आवश्यकता होगी उसकी हम लोग पूरी करेंगे। किसी भी तरीके से लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर कुछ बच्चों के पेपर भी कल बताए जा रहे हैं, तो सर वो लोग फंसे हुए हैं गाँव में, उनके लिए उसके लिए निकलने की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। स्टीमर मंगवाया है, जो बच्चे होंगे उनके परीक्षा दिलवाई जाएगी। आप देख रहे हो सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर।